राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा के विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू द्वारा गाली गलौज का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं पूरे मामले में आज पीड़ित प्रार्थी ने राजनांदगांव प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस वार्ता की और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक विधायक पति की गिरफ्तारी नहीं होने की बात कही है। विधायक पति के द्वारा पीड़ित प्रार्थी से रेत ले जाने के समय गाली गलौज के मामले ने अब तुल पकड़ना शुरू कर दिया है। पूरे मामले में पीड़ित प्रार्थी ने आज राजनांदगांव प्रेस क्लब पहुंचकर अभी तक एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी विधायक पति चंदू साहू की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सवाल उठाए हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व पीड़ित प्रार्थी वीर सिंह उइके छुरिया डिपो के पास कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा का रेत लेकर जा रहे थे। इस दौरान खुज्जी विधायक छन्नी साहू और उनके पति चंदू साहू वहां पहुंचे और गाड़ी रोककर पीड़ित से पूछताछ की और गाड़ी को कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा का होने बताया, पर जातिगत गालियां दी गयी। वहीं इसके बावजूद पीड़ित ने पूरे मामले में जानकारी ग्रामीणों को दी। इसके बाद पूरे मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं जल्द से जल्द विधायक पति की गिरफ्तारी करने के बाद पीड़ित प्रार्थी ने कही है। पीड़ित प्रार्थी का कहना है कि बड़े नेताओं के साथ विधायक पति बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और पुलिस द्वारा अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित ने कहा कि उन्हें फोन आ रहे हैं मामले को दबाने को लेकर। वहीं पीड़ित गाड़ी में भरकर रेत लाने की बात पर पीड़ित ने कहा कि रॉयल्टी पर्ची के साथ रेत लाई जा रही थी के बावजूद भी विधायक पति द्वारा गाली गलौज किया गया और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई। वहीं विधायक पति की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज प्रेस वार्ता पीड़ित द्वारा की गई है। के साथ क्या हुआ मामला, पूरा मामला बताएंगे। मेरा नाम वीर सिंह उइके है सर, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ तरुण सिन्हा का। तो मैं रेत ला रहा था जोग तरफ से, तो छुरिया डिपो के पास मेरा गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया। तो उधर से पीछे तरफ से हमारे विधायक और उसके पति चंदू साहू आ रहे थे, तो वही रोके हम लोग को और बुलाए मुझे कि क्या हो, कहाँ से ला रहे हो करके पूछे। उसके बाद मैं बताया हूँ, उसके बाद किसका गाड़ी है करके बोले। उसके बाद मैं बोला कि तरुण सिन्हा जी क्या है ऐसे करके, फिर वहीं से बहुत गाली वाली दिए और हाथ पैर तोड़ दूंगा ऐसे करके बोले। और बहुत हमारे सामाजिक को मैं भी गाली दिए कि साले तुम लोग गोड़ गवा लोग कभी नहीं सुधरोगे करके। तो उसके बाद मैं गांव में गया और गांव वाले को बताए सबसे हमारे समाज वाले को कि गाली गुप्तार दिए हैं और हाथ पैर तोड़ने का भी धमकी दिए हैं ऐसे करके। उसके बाद हम लोग सब मिल के रिपोर्ट कराने गए, रिपोर्ट हो गया है सर अभी तक से रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन अभी कम से कम 14-15 दिन हो गए अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है वो। तो कम से उसको गिरफ्तारी करें, और अभी देख रहे हैं सर कि वो तो पूरा नेताओं के साथ कुछ सब क्या बोलते हैं बर्थ पार्टी वगैरह मना रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पकड़े हैं उसे। और अभी तो अभी बहुत आते हैं फोन वगैरह आते हैं मेरे पास, और बहुत डर लगता है सर कि कुछ कर ना दे ऐसे करके, और बहुत पूछते हैं, एकदम से घबराहट रहता है हमेशा। धमकी हम क्या है, किसका फ़ोन आया था, किसका फ़ोन आया था, वो सब नाम तो पता नहीं सर, नया नंबर से आते हैं पूछते क्या बोलते हैं लोग क्या बोलते। अच्छा, फ़ोन में किस तरह की आपको कहा जाता है, किस तरह की धमकी दी जाती है, क्या कहते हैं? कि वो तो बहुत बड़े आदमी है, उससे पंगा ले लिए हो ऐसे करके बोलते हैं, और कोई कोई और बोलते हैं कि आपको ऐसे वैसे दूंगा करके, आप वैसे मत किया करो ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा, आप जो रेत लेके आ रहे थे वो रेत क्या अवैध उत्खनन था कि आप रॉयल पर्ची वगैरह कटवा के रेत लेके आ रहे थे? पर्ची वर्ची कटांग लाए थे सर। किस खदान से? हमारे छुरिया लाना था उसे। किस खदान से लेके आ रहे थे? खुर्सी टिकुल से, डोंगरगांव खुर्सी टिकुल से। ये राजनीतिक का आप क्या बोले भैया, एक तरीके से व्यक्तिगत तरीके से तो सोने निकाल रहे हैं ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी रेत से भर के, उसकी राखी पर्ची ऊपर सारा चीज़ था। वहाँ पर आने के बाद पूछा गया कि गाड़ी किसकी है, तो ड्राइवर ने बताया तरुण सिन्हा की गाड़ी है। उसके बाद फिर उन्होंने गाली गलौज ड्राइवर के साथ किया और बहुत गंदी गंदी गाली का उपयोग किया उसने। ड्राइवर ने मेरे को आके बताया और चाबी आबी को भी छोड़ के चले गया, भैया आज के बाद मैं गाड़ी हम नहीं चलाऊंगा करके। और काफ़ी सारे अधिकारियों को भी दबाव दिया गया डीएफओ वगैरह को कि ऐसा ऐसा बात है कि उस गाड़ी को रात साफ करो, ये करो वो करो करके। तो फिर ये समाज में जाकर मेरे ड्राइवर लोग अपने बात को रखे और समाज रूप से वहाँ पर उन लोग बैठक करके रिपोर्ट करवाए, तो वहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट वहाँ पर कर दिया गया है। और वही बस उसी के कारण मैं भी प्रशासन से मांग किया हूँ
छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांग किया हूँ और अपने सूर्या थाने और एसपी साहब को भी मैंने अपनी सुरक्षा का ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा मेरे को नहीं मिली, गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। गिरफ्तारी अब प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी सरकार है जो माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने पिताजी को इस अवस्था में जब जेल में डाला है तो निश्चित रूप से न्याय तो मिलेगा। आपने अपनी सुरक्षा की बात कही है तो आपको किससे खतरा है, आपको कोई फोन आ रहा है या दबाव है इस तरीके? नहीं, मैं एक दो गाड़ियां रात में संदिग्ध हालत में देखा, क्योंकि रात में खैरागढ़ चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी है, आना जाना होता है, तो एक दो नकाबपोश लोगों को देखा तो मेरे को मन में थोड़ा शंका गया, क्योंकि मैं एक जंगल क्षेत्र में रहता हूँ, छुरिया एक जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ मेरा इस तरीके का जो चल रहा है, तो वो इसलिए मैंने सुरक्षा के लिए अपने नाम और पोस्ट तरुण सिन्हा, प्रदेश महामंत्री, पिछड़ा और कांग्रेस।